सारे लाल यादव को न जाने क्या हो गया। सुर्खियों में रहना तो इन्हें इतना अच्छा लगता है कि 5 साल पुरानी ऑडियो क्लिपिंग लाकर वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। भाई खेसारी लाल यादव जी, कंट्रोवर्सी में रहना अच्छा लगता है तो कंट्रोवर्सी को हैंडल करना भी सीखिए। अगर आपने कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ 3 नामों पर टिकी है तो उसे क्लियरिफाई भी कीजिए, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में आपने किया है। आप भोजपुरी के एक चहेते सुपरस्टार हैं, आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे धड़ल्ले से चलती हैं, लेकिन जो आपने आज किया है वो शायद एक सुपरस्टार से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। साल पुरानी ऑडियो क्लिपिंग आप लेकर आते हैं, उसके लिए अपने पिता का एक ऑडियो वीडियो बनवाते हैं और अपने फैंस के सामने वो ऑडियो क्लिपिंग पब्लिश करते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बकायदा वो पब्लिश करते हैं, फेसबुक अकाउंट पर पब्लिश करते हैं। आखिर भाई खेसारी जी, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? क्या आपको वो खुद नहीं पता है कि वो क्लिपिंग 5 साल पुरानी है? वो बंदा लाइव आकर बकायदा कह रहा है कि ये 5 साल पुरानी क्लिपिंग है, ये अभी की नहीं है, ये मामला रफा दफा हो गया है, तो फिर इसके लिए इतना बवाल अब क्यों? हम जानते हैं कि आपने ये बोलकर कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ 3 नामों पर टिकी हुई है खुद भोजपुरी इंडस्ट्री के कई लोगों से पंगा ले लिया है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को दबाने के लिए ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और अपने पिताजी को बीच में लाना, ये कहाँ की समझदारी है? खैर, ये समझदारी और ना समझदारी की बात हम नहीं करते, लेकिन खेसारी जी, इस तरह की हरकत की उम्मीद तो आपसे भोजपुरिया का कोई भी दर्शक नहीं करता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।